मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। सबसे बड़ा ये बात है कि चुनाव होने के पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी, तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। मुझे लगता है उनके पास तेलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता वही होगा। देखिए वो तो अपना अपना, हरियाणा में इन्होंने स्लोगन दिया था 75 पार का, हवा निकल गई 40 पे आ गए, तो आधे पे आ गए हरियाणा में। बैसाखी की जरूरत पड़ी, गठबंधन सरकार बनानी पड़ी बाद में। ए पर्सन सिटिंग इन द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट स्पीक लाइक दिस, टोटल अरोगेंसी इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू हिज स्पीच। चीजें हमेशा पॉलिटिक्स में बदलती रहती हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अभी से कोई दावा करना चाहिए। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े वांकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। देश की एक प्रधानमंत्री इस तरीके की संख्या की बात कर दे 370 या 400 पार, तो इसमें लगता है कि आम लोगों की वोट देने की अधिकार बका ही सही तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे ये बड़ा शंका की पैदा हो रहा है मेरे मन में। क्योंकि कैसे ये बोल सकते, देखो कोई भी वोट हो ये हमारा जेब की तो फिक्स डिपॉजिट नहीं है, आम लोगों की वोट किसी नेता की जेब में रखते हुए फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है, लेकिन वो कैसे कह सकते दबे के साथ और शंका भी बता सकते, इसका मतलब कि हेराफेरी करने की सारे नापाक मंसूबे तय हो चुके हैं। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दिया 370 सीटों का, उन्होंने दावा किया है कि 370 सीट हम जीतेंगे और एनडीए जो है वो 400 सीटों से ज्यादा जीतेगा, क्या कहना चाहते हैं? उनके पास तेलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता वही होगा। ना ये कोई आश्चर्यजनक बात है ना चौंकाने वाली बात है, मैं मानता हूं कि जो सत्ता दल है उसकी कार्यशैली इस प्रकार से हो गई है कि जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उनको माध्यम से देश में जो विपक्ष है उनको निशाने पे लगातार लिया जा रहा है, तो उसी की कार्यशैली की कड़ी में मैं इसको देखूंगा। देखिए वो तो अपना अपना, हरियाणा में इन्होंने स्लोगन दिया था 75 पार का, हवा निकल गई 40 पे आ गए, तो आधे पे आ गए हरियाणा में। बैसाखी की जरूरत पड़ी, गठबंधन सरकार बनानी पड़ी बाद में। The way in which the Prime Minister of India spoken yesterday in the Parliament is totally unfortunate. A person sitting in the chair of the Prime Minister cannot speak like this. Total arrogance is reflecting through his speech. Then he is talking about he is going to win 400 seats. Then there is no election now needed.
He already got 400 seats. Then what is the purpose of elections? Then where the values of the people? Everything in democracy is decided by the people of this country. We are very confident that people of country will decide to change, remove this dictatorship government. जिस तरह से हमारे देश में आक्रोश है, जिस तरह से जो सत्ता में नहीं है, मतलब सत्ता मतलब केंद्र सरकार के अलावा जहां जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में है वहां जिस तरह से लोगों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, सरकार को जिस तरह से तोड़फोड़ करके अपने पाले में करने की कोशिशें हैं, उससे पूरे देश में बहुत नाराजगी है। अभी आपने देखा कि हमारे झारखंड में किस तरह से जो खेल हुआ उसके बाद क्या आक्रोश है लोगों के बीच, खासतौर पर जैसे आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और तमाम चीजें जो हुई उससे लोगों के मन में बहुत अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ा और वहां बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो आप जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकते हैं और इसमें आपको मतलब जनता का मन घड़ी घड़ी बदलता है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जनादेश मिला तो झारखंड में भी मिलेगा, तो चीजें हमेशा पॉलिटिक्स में बदलती रहती हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अभी से कोई दावा करना चाहिए।